Welcome to Sri Ram Coaching Classes. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका सबसे फंडामेंटल टॉपिक आज हम पढ़ेंगे क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, काम कैसे करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या क्या होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे हम देख रहे हैं इसके अंदर है क्या, एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी यानी कोई इलेक्ट्रिक सोर्स है। अब इस इलेक्ट्रिक सोर्स से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई कॉइल रोटेट करेगी और क्या बनेगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी कि बैटरी से आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल को हमने किसमें कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारा प्रिंसिपल किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम सेकंड पॉइंट पर इसके बारे में क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन, उसको क्या 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 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक कॉइल, ये जो फ्रेम है सर ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल ली है मैंने ए बी सी। दूसरा पार्ट है इसका मैग्नेट, दो परमानेंट मैग्नेट है, एक ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये हॉर्सशू मैग्नेट या बार मैग्नेट कोई भी मैग्नेट हम ले सकते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल मैग्नेट होने चाहिए। अच्छा, जितना ज्यादा मैग्नेट्यूड होगा मैग्नेट का उतना ज्यादा स्पीड से घूमेगी कॉइल। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अगली वाली चीज है स्प्लिट रिंग्स या फिर इसका नाम है कम्यूटेटर। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, दो स्प्लिट रिंग्स, एक है एक्स और एक है वाई, दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं हमारी कॉइल्स, ये जो एबीसीडी कॉइल्स से कनेक्टेड दोनों, एक पॉइंट है एक्स और एक पॉइंट है वाई, दोनों दोनों कनेक्टेड है। जब ये रिंग गैस हमारी जो ये कॉइल है घूमेगी ऐसे कैसे भी घूमेगी तो क्या होगा, साथ में ये जो हमारी स्प्लिट रिंग्स है ये सब रोटेट करेंगी कॉइल, अगर कॉइल ऐसे थी और घूम रही है तो ये भी रोटेट करेंगी घूमेंगी साथ में साथ में साथ में। अच्छा, अगर ये घूमेंगी तो वायर है, वायर कनेक्टेड, वो भी ऐसे घूमे तो रोल ऑन होकर टूट ना जाए, तो इसके लिए हमने साथ में एक कार्बन की ब्रशेस ली, कार्बन ब्रश 1 बी एंड सेकंड इज क्यू, दीज आर फिक्स्ड, दीज आर फिक्स्ड फ्रॉम दिस पॉइंट्स एंड दीज आर नॉट फिक्स्ड फॉर एक्स एंड वाई। होगा क्या, जैसे ही घूमेंगे साथ में घूमेंगे ये स्प्लिट रिंग्स घूमेंगी कॉइल के साथ और ब्रशेस साथ में ऐसे रब करते हुए चलेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब घूमेंगे ये वाला ब्रश यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला ये रिंग यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा और दोनों इस पोजीशन में कनेक्टेड नहीं होंगे ब्रश के साथ हमारे, तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो स्टॉप हो जाएगा इसमें करंट का घूमना, एक ऐसा पॉइंट अभी आएगा चूंकि हम वर्किंग में समय पढ़ेंगे। उस पॉइंट पर क्या होगा, अभी के लिए मान के चलते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से एक कम्यूटेटर या फिर दूसरा नाम स्प्लिट रिंग, इनका काम है बस करंट का रिवर्स करना कॉइल के अंदर, बस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है पेपर, एक मार्क्स नहीं है अलग से, वैसे 5 मार्क्स टॉपिक है। अगला प्रश्न हमने पढ़ लिया, अभी फिक्स्ड होते हैं वायर के साथ। अगला है इसके अंदर बैटरी, तो बस कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। अगली चीज है की, कोई भी बटन, की ओपन या क्लोज, वायर वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। एक पोल है नॉर्थ पोल, एक पोल है साउथ, बीच में लगी है मेरी कॉइल, कनेक्टेड है। सबसे पहले करंट आना स्टार्ट होगा कन्वेंशन से, हम जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगा, आएगा पी से पास ऑन करता हुआ आएगा एक्स, एक्स से पास होता जाएगा ए बी सी फिर डी से दोबारा आएगा। तो एक रूल हमने पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस रूल के अंदर क्या होता है कि अगर हमें तीन फिंगर्स है तीनों 90 डिग्री पर होंगे दूसरे के एक्स वाई जेड एक्सिस पर, तो एक ये वाला होगा मेरा थंब वाला एफ, एफ सजेस्ट व्हाट फोर्स एंड दिस बी, बी सजेस्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड आई सजेस्ट करंट। अगर किसी भी चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन पर इस डायरेक्शन तो क्या होगा, करंट आ रहा है ऐसे ये वाली, अगर करंट है ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो जो हमारा थंब है वो दिखाएगा फोर्स किधर है कि ये चीज किधर जा रही है, देखिए फोर्स किधर है, फोर्स। अब हम इसके अंदर फ्रेम में देखते हैं कैसे इसके अंदर काम करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये लगाया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, करंट है अगर कहीं भी इनपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स किधर होगा, थंब वाले डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसका एक एग्जांपल दे देते हैं, अगर एक कॉइल है ये सेम है थ्री डायग्राम में सारा थोड़ा काम आएगा, इसमें सोचते हैं एक कॉइल है, करंट है ऊपर की तरफ, ऊपर ये हाई है, मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम बी टू सी डायरेक्शन, ये मेरा मैग्नेट,
identify current chemical number, तो force किधर होगा? Thermal reaction में, यानी कि इधर तुम ये जो coil है मेरी, ये ऐसे करके ये जो coil है, ये जो coil है, ऐसे करके घूमने की यहाँ पे वो thumb है। फिर दोबारा क्या होगा? जब भी coil मेरी घूमेगी, अगर ये मेरी coil ऐसे थी, ऐसे, अब अगर ऐसा घूमना start किया, ये मेरी coil, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे थी, ऐसे करके इधर आया। अब क्या होगा? जब ये चीज coil घूमेगी, अगर ये coil घूमेगी तो धीरे 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 ऐसे करके घूमेगी। अब इधर क्या होगा? ये जो ब्रशेस थे, ये ब्रशेस coil के साथ coil इधर आ गई है, बीच ऐसे थी, ऐसे करके तो अभी ऐसे थी मान लेते, तो अभी ऐसे आ गई। तो इसका लगे हुए का ब्रशेस है, ब्रशेस भी क्या थे? ऐसे लगे होते हैं, वो ऐसे आते ऊपर इधर आ गए। ये मेरा x वाला ब्रश, ये मेरा ओ, तो मेरे x स्प्लिटिंग और y स्प्लिटिंग, तो हमने मेरे तो मेरे डेटा स्प्लिटिंग। अब क्या होगा? इस तरह इस वाले पॉइंट पर करंट फ्लो होना सर्किट के अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि कहीं से भी कार्बन ब्रशेस टच नहीं करा ना एक्स पॉइंट पर और ना ही वाई पॉइंट पर। तो अब इस वक्त क्या होगा? तो मेरी ऐसे लग रही थी कि बिल्कुल ऐसे गई, हाफ रोटेशन हो, सिर्फ हाफ रोटेशन, और करंट घूमना बंद हो गया। अब दोबारा क्या होगा? जैसे दोबारा घूमने वाले मैकेनिकल फोर्स में इतना तो है ही कि दोबारा चल सके, हर किसी घूम कर इधर आएगी फोर्स के अंदर, तो हर किसी इधर आएगी। अब इधर क्या होगा? करंट उल्टा हो जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट यहाँ पर थे मेरे, ऐसे ये घूमा 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 तो इधर आ, अब ये वाला पॉइंट मेरा इधर चला गया, ये वाला इधर, बिल्कुल उल्टे हो गए करंट। तो इस डायरेक्शन में उल्टे होने पर क्या होगा? करंट भी उल्टा हो जाएगा। जो मैं समझ में, अगर x वाला कम्यूटेटर यहाँ पर था, y वाला कम्यूटेटर यहाँ पर था, जब ये कॉइल घूमेगी तो ये आ जाता है इधर और ये आ जाता है इधर, यानी कि ये पहले वाली पोजीशन थी केस वन। और जब वो हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेती है तो इधर आ जाता है y वाला कम्यूटेटर और इधर आ जाता है x वाला कम्यूटेटर, इधर y और इधर x। अब करंट उल्टा हो जाएगा। पहले जो कि हम देख रहे थे x की तरफ करंट आता था ऊपर की तरफ, और जब भी घूम के x इधर आ जाएगा तो करंट आएगा नीचे की तरफ, आएगा ना। तो इससे होने से क्या हुआ? करंट बिल्कुल रिवर्स हो गया कॉइल के अंदर। करंट रिवर्स हो गया, माना कि अगर करंट पहले ऊपर की तरफ था, f इज इस वाला डायरेक्शन की तरफ इधर, तो फोर्स किधर लगा था? थंब की तरफ। अगर ये था ऊपर की तरफ तो फोर्स लगा इधर। अगर करंट उधर डाउनवर्ड्स ऐसे, तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, यानी कि पहले अगर लगता इधर तो इधर, तो अगर कॉइल मेरी ऐसे है बिल्कुल ऐसे, पहले उस पर लगा इधर तो इधर घूमी, अब करंट हो गया उल्टा नीचे, तो अब फोर्स हो गया इधर की तरफ, तो अभी घूमेगी फिर से नहीं। तो ऐसे करके हमारी कॉइल घूम कैसे घूमेगी? कॉइल घूमने से क्या जनरेट होगा? बैटरी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, तो हमारी माइंड, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।